और आस पास वाले तो चार लोग जो शौकीन थे भैंस देखने के लिए गए, तो पूछा कि भैंस तो बड़ी शौकीन लिया है, कितने की भैंस है? कहें 30,000 रुपये की भैंस है। कहें तो भैंसिया गाभिन बा? कहें नहीं गाभिन तो नहीं। तो कहें फिर बियान हो? तो कहें कि नहीं बियानी नहीं। तो कहें तब कहने बात को 30,000 दे दी है। कहें ये बहुत चरित्रवान भैंस है, अभी कोई भैंसा साला सूंघ नहीं सका है इसको, इसके कैरेक्टर का पैसा दिया है। एक सरदार जी जा रहे थे स्कूटर से और आधी आ गई, आधी बहुत तेज आ गई, उसमें लटपटा करके गिरे। वहीं वो टीन सेट लगा हुआ था और संजोग था कि वो टीन सेट के कोर से साफ हो गई उनकी। हाँ, कहना थोड़ समझना थे। और उनके दो चार जो और थे, जब कुछ देर बाद फोन गए आए उनके शुभचिंतक, उन्होंने कहा सरदार जी आप बड़े भाग्यवान हैं, बाल जो है आप बाल बाल बच गए। उन्होंने कहा चुप रहो यार साले, बाल ही बाल बचा है और सब सत्यानाश हो। तो संयोग था कि एक सज्जन का गवन आए लवट की गा रहन, मेहरारू लवट गई रही। तो फिर मेहरारू वहाँ अपने नैहरे कहे ला भाऊ जाए जाई से बहुत तो पूजना है मोट बुद्धि कहे न मचा बो। अब घर महतारी बाप बड़े चिंतित में होइए इनके भाई इतना खर्चा कई कहो बिया गवन किया, आप कहते हैं जावन करब। अगुआ के लगे सूचना गई, अगुआ सब कहें घर वाले के इतना बुलाए कि हमहूँ सब समझ ले, कहा था इनकी बहुत ठीक ठाक है, हमसे देख दाख बिया किया, कहा था इनकी पूजना है, इनके बुद्धि नैन मोट बुद्धि कहन बहुटेठ हैं। तो डेट पड़ गई भाग मेहमान फला दिन यही हैं। तो अगुआ कहे यार तू तो है महालंठे कैसे तो हाथ बिया कराई भी है, अब लागत तक फिर मेहरारू चला जाए कुछ सहूर पाती सिर फला दिन बुलाओ तुहार। तो बीरू बुनिया का चला लड़किया लगी कहन भाई कुछ बतौते ससुरारी बुलाओ नहीं मेहरारू वहाँ से चली जाए ते चल छह से रिहर्सल कराई दी ने। कहन का कहन देखा वह पानी जिन के चल गए और भात जिन के है लागे वह चावल के है, पीढ़ा जिन के है आसन के है और पान जिन के है तांबूल के, तरकारी भाजी जिन के है सब्जी बोल। अब डेट आएगी कपड़ा प्रेस कराए ना अपन टैची फटैची लिहेन अपन पहुँच गए वहाँ मेहराजू जो होते रही मेहमान आवत है कटिया उठिए बिछ गए आए भैया मेहमान आए पानी लिया रे कहे हाँ थोड़ा सा जल है, है पानी जी कहे थोड़ा सा जल पी ले पानी वानी है चाय पिए मैं। अब रात के भोजन करे बैठ गए तो दो चार मेहरारू आस पास के भाई सुनील की सब कहा था पगपेट हैं पगलेट हैं, दो चार मेहरारू आस पास चली आई। तो कहन कि मेहमान चल भोजन कर ले, कहन हाँ आसन लगाए जाए। तो आएगी भोजन कहें कि भात लिया ही थोड़ा सा चावल चाहे कहें निकरे बाद हाँ तांबूल भोजन के बाद तांबूल। मेहरारू आपस में खुसर करे लगी क्या टोइया सोकास मेहमान है क्या बढ़िया बोलत है अरे नजनी कैसन फतारे नहीं चाहे बतावल है कहत है हम चावन कर का बहन बहनी देखत नहीं है वो सुनत रहे उनसे रही नहीं कहे रही का देखत हो जब तरकारी की सब्जी का तो गढ़ियर में फाट के मोनू कितना सिखाए समझ ना आई है। और कुछ आप लोग अगर सुनना चाहें तो नहीं फिर समापन कर दिया जाए। बहुत कार्यक्रम हुआ, बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया।